हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कैल्क का इंट्रोडक्शन कराया था, और आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कैल्क के फाइल मेनू के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। अतः इस ट्यूटोरियल को अंत तक अवश्य देखिएगा, और अगर आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, कैल्क को हम कैसे ओपन करते हैं, कैल्क के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में हमने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है। तो आप हमारा पिछला ट्यूटोरियल ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल, और सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेते हैं। कैल्क को ओपन करने के लिए हमने आपको कई तरीका बताया था, और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां अगर आप टास्क बार में देखें तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का आइकन है वो यहां पर पिन है, और यहीं से हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, और जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन करा ही दिया था कि ऊपरी वाली जो हमारी पट्टी है इसमें, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जहां पे हमारा जो डिफॉल्ट टाइटल है अनटाइटल वन है, और इसके ठीक नीचे हमारा मेनू बार है जिसमें हमारे 11 मेनू मिल जाते हैं, फाइल मेनू, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल शीट, इस तरह से 11 मेनू है। और अगर हम नीचे जाएं तो फाइल मेनू के ठीक नीचे हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है, जहां पे डॉक्यूमेंट को ओपन करने, सेव करने, या नया डॉक्यूमेंट बनाने, या जो है प्रिंट करने, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ऐसे बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाते हैं। और स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग टूल बार के ठीक नीचे अगर आप देखें तो यहां पर हमारा सेल का जो है नेम बॉक्स दिखाता है, और इधर हमारा फार्मूला बार होता है, जो कि हमने पिछले क्लास में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था। अगर हम इधर देखें तो इधर हमारा स्क्रॉल बार है, एक ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इधर हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, नीचे हमारा यहाँ पे सीट बाय डिफॉल्ट सीट वन होती है इसमें, और मैक्सिमम हम 10,000 सीट यहाँ पे हम ले सकते हैं। यहाँ अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमारी सीट जो है यहाँ पे सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, ऐसे जो है आता जाएगा। और अगर नीचे देखें तो यहाँ पे हमारा स्टेटस बार है, स्टेटस बार में देखिए सीट फोर ऑफ फोर, मतलब जिस सीट पे होंगे वो यहाँ पे हमको दिखाएगा सीट थ्री या फोर। और यहाँ पे जूम बटन है, जहां पे अगर आप देखें तो इसमें मिनिमम जूम जो हमारा है वो 20 है, और अगर हम मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम इसमें हमारा 400 जूम होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन जो भी हम पहले भी करा चुके हैं। अगर हम इधर देखें, यहाँ पे हमारा साइड बार है जिसको हम जरूरत के हिसाब से हाइड या शो कर सकते हैं। ये हमारा एक्टिव सेल है, जिस सेल पे हम क्लिक करते हैं वो सेल हमारा एक्टिव हो जाता है, और इसके किनारे जो है आप देखें तो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो है एक्टिव सेल है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सेल हमारा एक्टिव हो जाता है। तो चलिए अब जो है फाइल मेनू के बारे में जानते हैं। अगर हम यहाँ फाइल पे जाते हैं और क्लिक करते हैं तो हमारा फाइल मेनू ओपन हो जाता है, और अगर आप कीबोर्ड से फाइल मेनू को ओपन करना चाहते हैं तो आप अल्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो भी आपका जो फाइल मेनू है वो ओपन हो जाएगा। फाइल मेनू में जब हम जाते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमको मिलता है वो है न्यू। न्यू का मतलब है यहाँ पे हमको टेस्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फार्मूला, डेटाबेस, ऐसे कई सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है टेस्ट डॉक्यूमेंट, तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमको क्या होगा, राइटर का जो है नया पेज मिल जाएगा। हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम काम कर रहे थे लिब्रे ऑफिस में, लेकिन यहाँ पे हमारा राइटर का जो है पेज ओपन हो गया, यानी राइटर प्रोग्राम हमारा ओपन हो गया है। इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम पुनः फाइल पे जाते हैं और न्यू पे जाते हैं। यहाँ पे जो अगला है वो है स्प्रेडशीट, और इसके लिए शॉर्टकट की भी दिया गया है कि आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके डायरेक्टली आप नया स्प्रेडशीट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो अनटाइटल वन लिखा है, और अगर हम पुनः यहाँ पे जाएं और स्प्रेडशीट पे क्लिक कर दें तो हमें दूसरा जो है वर्कशीट मिल जाएगा जिसमें देखें अनटाइटल टू लिखा है। पीछे वाले में अगर आप देखें तो अनटाइटल वन है और यहाँ पे अनटाइटल टू है। मतलब कि जब आप कोई काम कर रहे हो और एक
वर्क आपका पूरा हो गया है, अब आपको दूसरे उस पर काम करना है, दूसरे वर्कशीट पे काम करना है, तो आप यहाँ फाइल पे जाके और यहाँ स्प्रेडशीट पे क्लिक करोगे तो नया जो स्प्रेडशीट है वो आपको मिल जाएगा। हम जो है कीबोर्ड के द्वारा भी चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एन दबाते हैं। जैसे ही एन दबाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए एक नया स्प्रेडशीट हमारे सामने ओपन हो गया है। ऊपर अगर आप देखें तो अनटाइटल 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप फाइल में जाके आप नई वर्कशीट यानी स्प्रेडशीट लेना है तो आप यहां से ले सकते हो। यहीं से आपको प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो आप यहीं पे जाके आप प्रेजेंटेशन को भी ओपन कर सकते हो, यानी यहां से आपका इंप्रेस ओपन हो जाएगा। तो इसको भी हम यहां से क्लोज कर देते हैं और हम चलते हैं अगले टूल्स की ओर। अगला जो टूल्स हमारा है वो है ओपन का। तो ओपन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो फाइल हम पहले से बना के सेव किए हैं। जब हम किसी फाइल को पहले से बनाकर सेव कर देते हैं तो उसको दोबारा ओपन करने के लिए हम ओपन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की भी दिया गया है, कंट्रोल प्लस ओ। आप कीबोर्ड से डायरेक्टली कंट्रोल के साथ ओ दबाकर भी आप ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। तो चलिए हम ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखें इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसको आप कीबोर्ड से भी ओपन करना चाहें तो आप कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करिएगा तो ये बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। तो इससे जो हम पहले से फाइल बनाए हैं कैल्क की या एक्सेल की जो फाइल होगी उसको भी हम यहां से ओपन कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें यहां पे कैल्क फाउंडेशन TCCC नाम से हमने एक फाइल बनाई है, तो इस पर अगर हम क्लिक करें और ओपन करें तो जो पहले बना के हमने सेव किया था वो फाइल हमारी ओपन हो जाती है। तो ओपन का प्रयोग हम पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला आता है टूल्स, इसमें है ओपन रिमोट। तो ओपन रिमोट क्या करता है, ओपन रिमोट जो हम सेव, यहां पे अगर आप देखें आगे सेव रिमोट का एक ऑप्शन मिलता है, तो जो फाइल हम रिमोटली सेव किए होते हैं यानी जो फाइल हम क्लाउड सर्वर पे सेव किए होते हैं उसको ओपन करने के लिए हम ओपन रिमोट का प्रयोग करते हैं। तो जब हम फाइल को बनाते हैं तो आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सुविधा मिलती है कि आप चाहें तो अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर में ना सेव करके, अपने हार्ड डिस्क में ना सेव करके, आप चाहें तो क्लाउड सर्वर यानी इंटरनेट स्टोरेज पे आप अपनी फाइल को इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप यहाँ सेव रिमोट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई सर्विस ऐड करना है। यहाँ ऐड सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे क्लाउड सर्वर आपको मिल जाते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आप मान लीजिए गूगल ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं तो आप गूगल ड्राइव लेंगे, यहाँ पे आप शेयर में लिखेंगे और यूजर नेम पासवर्ड डालकर आप ओके करेंगे तो आपकी जो गूगल ड्राइव है वो ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद आप अपनी फाइल का जो भी नाम देना होगा नाम देकर यहां से सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह जो फाइल हमने रिमोट सर्वर पर सेव किया है उस फाइल को ओपन रिमोट के द्वारा ओपन कर सकते हैं। यहां पे भी सेम वैसे ही आपको करना है, ऐड सर्विस पे जाना है और आपने किस पे सेव किया है, गूगल ड्राइव या वन ड्राइव जिसपे आपने सेव किया होगा उस पे जाएंगे, शेयर नेम डालेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी जो फाइलें होंगी क्लाउड सर्वर पे वो आपको यहाँ पे शो कर जाएंगी और जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल पे आप क्लिक करके यहाँ से ओपन करोगे तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। रिमोट सर्वर पे सेव करने का फायदा ये है कि आप कहीं भी काम करें और कहीं अलग भी अगर सिस्टम पे आप जाते हैं तो वहां भी आप अपनी फाइल को यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो अगला है वो रिसेंट डॉक्यूमेंट का है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो भी हम पहले से काम किए होते हैं, जिस फाइल को हम ओपन किए होते हैं, बनाए होते हैं, वो आपको यहाँ पे रिसेंट लिस्ट में आपको दिखाता है। और यहाँ पे आप देखें तो 25 रिसेंट लिस्ट में आपको दिखाता है। इसमें आपका कैल्क का, राइटर का और इंप्रेस का जो भी आप फाइल बनाएंगे वो सभी आपको इस रिसेंट लिस्ट में शो करेगा। आप चाहें तो यहाँ क्लियर लिस्ट पे क्लिक करके इन सभी फाइलों को यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ये फाइलें केवल आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट से डिलीट होगी, ना कि आपके सिस्टम से डिलीट होगी। ये आपकी जो लिस्ट है ये क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है क्लोज का। तो क्लोज ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने इस वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जैसे हम क्लोज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा कि आप ये फाइल जो है इसको वर्कशीट को सेव करना चाहते हो, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, नहीं सेव करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक करिए। आप देखेंगे कि आपका जो कैल्क था वो आपका क्लोज हो गया है। इसी तरह से आप दोबारा कैल्क ओपन करना चाहें तो यहाँ पे कैल्क पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कैल्क है वो दोबारा ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला है वो है विजार्ड का। तो ये जो टूल्स है ये आपके राइटर के लिए है, आप लेटर तैयार करना चाहते हैं, फैक्स तैयार करना चाहते हैं या कोई एजेंडा क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके लेटर, फैक्स या एजेंडा क्रिएट कर सकते हैं या आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लेटर पे क्लिक करते हैं हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप एक विजार्ड आ जाएगा और
यहाँ पे आप किस तरह का लेटर लेना चाहते हैं, बिजनेस लेटर या फॉर्मल पर्सनल लेटर या पर्सनल लेटर, जो भी आपको लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप पेज डिजाइन भी आप चूज कर सकते हैं, मॉडर्न रहेगा। आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे मॉडर्न का है, ठीक है, यहाँ पे आपका एलिजेंट है। तो आप जिस तरह का चाहें उस तरह का यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हो, और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इसमें क्या क्या चाहते हैं, आप लोगो चाहते हैं तो टिक रखिए, अगर नहीं चाहते हैं तो आप हटा दीजिए। तो यहाँ से आप लोगो को जो है लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। रिटर्न एड्रेस आपको रखना है तो ठीक है, नहीं तो आप यहां से हटा सकते हो। तो इस तरह से कई सारे ऑप्शन हैं, इन ऑप्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम पुनः नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यूजर डेटा फॉर रिटर्न एड्रेस, तो ये सारे ऑप्शन लेंगे, नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और फिर हम फिनिश करेंगे। तो हमारा ये जो लेटर का टेम्पलेट है ये जो है हमारा ओपन हो जाएगा। उसके पहले आपको यहाँ इनेबल माइक्रोज पे क्लिक करना है। अब आप देखिए आपका यहाँ पे एक लेटर का जो है टेम्पलेट आपका तैयार है, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, जो भी है, फोन नंबर वगैरह आप देकर इसको आप बना सकते हो। तो यहां से क्या होता है, यहां से आपको बिजार मिल जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं लेटर कैसे लिखना है, क्या कहां पे रहेगा, तो आप लेटर बिजार ले सकते हो। ऐसे फैक्स का ले सकते हैं। ऐसे एजेंडा आप क्रिएट करना चाहें तो एजेंडा पे क्लिक करेंगे, और यहां भी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाता है। यहां पे नेक्स्ट करके जो भी है, आप जो एजेंडा आप क्रिएट कर रहे हैं, ये टाइप आप मीटिंग कैसा है, प्लीज रीड, आप क्या क्या लाना चाहते हैं, प्लीज ब्रिंग नोट्स, ये सारी चीजें आप लेकर आप क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, तो आपका जो है ये एजेंडा क्रिएट हो जाएगा और उसमें आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो अगला है, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये सारे टूल्स जो है आपको राइटर में बहुत ही विस्तार से आपको ये बताया है, और अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा हो तो आप राइटर का जो है फाइल मेनू देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। इसी तरह हमने आपको डॉक्यूमेंट कन्वर्टर भी पिछले ट्यूटोरियल में, यानी राइटर के ट्यूटोरियल में, फाइल मेनू में बताया था। आप जो है वर्ड या एक्सेल की फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं राइटर और कैल्क में। डॉक्यूमेंट कन्वर्टर पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, आप वर्ड या एक्सेल की फाइल को आप राइटर या कैल्क में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने एक फाइल वर्ड में बनाई है और उसको हम चाहते हैं राइटर में हो जाए, तो उसके लिए आपको इस बॉक्स का प्रयोग करना होगा, डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करना होगा। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट कन्वर्टर पर क्लिक करेंगे ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक रखेंगे, यहाँ पे हम वर्ड और एक्सेल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, हमारा जो फाइल है वो कहाँ पे है, उस फोल्डर को हमको चूज करना होगा। तो इम्पोर्ट फ्रॉम हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि हमने वो फाइल का जो है फोल्डर बनाया है कन्वर्ट नाम से डेस्कटॉप पे, तो ये फोल्डर हम ले लेंगे। सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। इसको सेव कहाँ पे करना है, तो सेव वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं यहाँ से। तो इसको हम सेव कहाँ पे करेंगे, डेस्कटॉप पे जाके हम उसी फोल्डर में इसको सेव करेंगे। सेलेक्ट फोल्डर कर लिया हमने, नेक्स्ट किया, और इसके बाद हम एस करते हैं, और इस तरह से यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं। फिर हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बॉक्स आता है, सेव दी लैंग्वेज फॉर यूज फॉर इम्पोर्ट। यहाँ पे हम इसको ऑटोमेटिक रखेंगे, ओके करेंगे, और इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ ही देर में हमारी जो फाइल है वो कन्वर्ट हो जाती है। और हम इसको क्लोज करके पुनः चलते हैं डेस्कटॉप पे, और हम ओपन करके देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वही फाइल डाउनलोड के नाम से यहाँ पे कैल्क में भी है, और यहाँ पे देखिए वही फाइल एक्सेल के नाम से है। एक्सेल के नाम से हमने इसको आज ही 1:01 पर किया था, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमने जस्ट जो है इसको किया है। इसके बाद वही चीज अगर आप देखें तो वर्ड में वही फाइल है, और इसको क्लोज करके हम दिखाएं तो यहाँ पे अब हम राइटर में खोलते हैं तो राइटर में भी आपको सेम चीज दिखेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम फाइलों को कन्वर्ट भी कर सकते हैं अपने कैल्क में, राइटर में। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वो है टेम्पलेट का। तो यहां से आप एडिट टेम्पलेट कर सकते हैं, सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं, और मैनेज टेम्पलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो शॉर्टकट की है आपको याद रखना, क्योंकि ये सारे शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेव एज टेम्पलेट का शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F11 है, जबकि मैनेज टेम्पलेट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो एडिट टेम्पलेट मतलब कि आपने कोई टेम्पलेट बनाया है पहले से, तो उसको आप एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक टेम्पलेट के रूप में सेव हुआ था, तो इसको हम क्लिक करके ओपन करें तो यहाँ पे हम कुछ एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं। ऐसे ही ये हमारा एक्सेल है, इसमें मान लीजिए हम कुछ लिख देते हैं थोड़ा सा वैसे ही, और इसके बाद हम इसको एज ए टेम्पलेट सेव करना चाहें तो यहाँ टेम्पलेट पे जाएंगे, सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम आप देंगे, और नाम देने के बाद आप इसको
कहाँ पे सेव करना है, माई टेम्पलेट में जाके यहाँ से माई टेम्पलेट ले लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो ये जो है हमारा सेव हो जाता है एज ए टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट के रूप में। अब हम पुनः इसमें कोई एडिटिंग करना चाहें तो यहाँ एडिट टेम्पलेट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने अभी इसको सेव किया है और इस पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा टेम्पलेट के रूप में जो सेव हुआ था इसको हम ओपन कर लिए हैं। इसके बाद हम पुनः फाइल में जाते हैं, टेम्पलेट में जाते हैं, यहाँ पे मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमने टेम्पलेट के रूप में इस फाइल को सेव किया था और इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पे ओपन का आता है, एडिट का आता है, सेट एज डिफॉल्ट, रीनेम और डिलीट, कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो, या यहाँ पे इसको रीनेम करना है तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। तो और उसके बाद आपको ओपन करना है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है रीलोड का। तो रीलोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम कोई फाइल अपनी जो पहले से सेव की है उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक फाइल ये बना के पहले से सेव किया था और इसमें क्या है, ये फाइल हमारी पहले से सेव है, अब इसमें हम कुछ लिख देते हैं। तो ये फाइल हमारी सेव है, अब इसमें हमने कुछ लिखा है, हम चाहते हैं ये जो हमने लिखा है ये हमारा पहले जैसा हो जाए, यानी ये जो है हट जाए। तो हटाने का तरीका वैसे भी आपको पता है, आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ फाइल पे जाएं और कर दें रीलोड। तो जैसे ही आप रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कंफर्मेशन, कैंसिल ऑल चेंजेस, यानी जो भी आपने किया है उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं यस। तो जैसे ही हम यस करेंगे आप देखें जो भी परिवर्तन था, जो भी हमने बाद में किया था, वो सब कुछ हट जाता है। तो इस तरह से आप यहां से क्या कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है वर्जन का। तो वर्जन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को अलग अलग वर्जन में सेव कर सकते हो, अपनी फाइल को आप अलग अलग वर्जन में सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें कुछ लिख देते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं अवध, हम यहां पे लिखते हैं अवध। इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, एक वर्जन में हम इसको सेव कर देंगे। तो यहां वर्जन पे जाएंगे और सेव न्यू वर्जन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे कोई भी नाम दे सकते हैं, चलिए हम अवध ही नाम दे देते हैं, यहां पे हमने दे दिया अवध नाम, हम ओके कर दिए। ओके करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम इसमें कुछ और लिखते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखते हैं। और कंप्यूटर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पुनः वर्जन में जाके और इसको किसी एक और नाम से इसको सेव कर देंगे। तो चलिए हम यहां पे कंप्यूटर नाम दे देते हैं। आप यहां पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, यहां पे ये मतलब नहीं कि हमने यहां पे कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर लिखेंगे, यहां पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अब हमने कंप्यूटर लिख दिया, यहां पे जितने भी वर्जन हम सेव करेंगे वो आपको यहां पे शो करता जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। और आप चाहते हैं इसमें कुछ और परिवर्तन करना है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, जैसे मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और आपको लगता है कि अभी हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, तो आप उसको एक वर्जन में सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद अब आपको फिर से लगता है कि नहीं, इसमें हमको कुछ और करना है, तो आप जब आप कुछ और करते हो तो हो सकता है कि कुछ करते करते कभी कभी गलत हो जाता है, और गलत होता है तो आपका सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। तो आप सोचते हैं कि हमारा इससे अच्छा तो पहले ही था। तो अगर आप पिछले वर्जन पे जाना चाहते हो तो वही जो है आपको यहाँ पे ये हेल्प करता है पिछले वर्जन पे जाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वर्जन अवध का सेव किया और एक कंप्यूटर का सेव किया, ये हमने किया है, और इसके बाद हम चाहते हैं कि हम वापस अवध वाले पे पहुंच जाएं। तो इसके लिए क्या करना है, हम फाइल पे जाएंगे। अच्छा, अवध के बाद जो भी हमने परिवर्तन किया होगा वो सारा का सारा हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे जाएंगे और वर्जन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अवध वाले पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम इसको कर लेंगे ओपन। तो देखिए अभी क्या हुआ कि जो कंप्यूटर वाला वर्जन था वो हट गया और यहां पे हमारा ये अवध वाला आ गया है। तो इस तरह से आप अलग अलग वर्जन में अपनी फाइल को सेव करके और जरूरत के हिसाब से जिस वर्जन पे आप जाना चाहें वहां पे आप जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टूल्स है वो है सेव का। सेव के बारे में हमने आपको राइटर में भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, और यहाँ पे हम आपको पुनः बता दें कि जब आप कोई, हम यहाँ पे एक नया स्प्रेडशीट ले लेते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, एक नया आ जाता है। तो जब हम फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। तो जब हम पहली बार सेव करते हैं तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है जो हमसे पूछता है कि आप इसे किस नाम से सेव करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे नाम देते हो, जो भी आपको नाम देना होता है वो नाम आप यहाँ पे लिख देते हो, जिस नाम से आपको फाइल को सेव करना है वो फाइल का नाम आप यहाँ पे टाइप करते हैं। और इसके बाद ये हमको देखना होता है कि हमारी ये फाइल कहाँ पे सेव होगी। तो हमारी जो फाइल है अभी ये डॉक्यूमेंट में जा रही है, आप चाहते नहीं इसको हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो आप डेस्कटॉप
लोकेशन यहाँ पे ले लीजिए, और इसके बाद यहाँ पे अगर आप सेव एज टाइप में देखें तो आप अपने कैल्क को कई सारे एक्सटेंशन में सेव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी डिफॉल्ट ODF है, यहाँ पे XML है, यहाँ पे यूनिफाइड ऑफिस फॉर्मेट स्प्रेडशीट है, एक्सेल 2007 में आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है, 97 में सेव कर सकते हो, डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट में, डाटाबेस, HTML, SYLK, ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जिस में आपको सेव करना हो उस फॉर्मेट में आप इस फाइल को सेव कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमारा ODF ही होता है तो हम यहाँ पे ODF ही रखते हैं, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे जैसे हमने अवध दिया है डेस्कटॉप पे हम सेव करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे अगर हम देखें तो हमारी ये जो फाइल है अवध के नाम से यहाँ पे ऊपर सेव है, और इसको ओपन करेंगे, यहीं पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका भी है कि हम फिर से कैल को ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम फाइल पे जाएं और यहां ओपन का जो ऑप्शन है ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा, और डायलॉग बॉक्स में आने के बाद अभी अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे जो लोकेशन है वो दूसरा है, हमारी फाइल सेव कहां पे है, हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है, तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, और यहां पे जाने के बाद अवध के नाम से हमने सेव किया था तो हमारी ये फाइल अवध के नाम से यहां पे शो कर रही है, इस पे हम क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो हमारी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला आता है वो सेव एज है, इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift+S, यानी आप कीबोर्ड के द्वारा भी आप सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। तो इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम फाइल को किसी और नाम से या किसी और लोकेशन पे सेव करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे ये हमारी फाइल है, अभी ये जो फाइल हमारी है ये अगर हम देखें तो ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पे सेव है। अब इस फाइल को हम किसी और नाम से किसी और जगह पे सेव करना चाहें तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स आता है, यहां पे इस फाइल का जो भी नाम देना है नाम देंगे, लोकेशन डेस्कटॉप है, हम इसको कोई और जगह पे सेव करना चाहें तो वो लोकेशन हम यहां से ले सकते हैं। अच्छा, इसको हम कैंसिल करते हैं, हम आप फाइल पे जाएं और यहां पे सेव पे क्लिक करें, तो जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सेव पर क्लिक करने से कोई बॉक्स नहीं आता, हम सेव पर क्लिक किए कोई बॉक्स नहीं आया। तो जब आप चाहते हैं कि हम इसको किसी और नाम से सेव करें और जगह पे सेव करें तो इसके लिए आपको सेव एज का प्रयोग करना होता है। तो हम पुनः सेव एज पे क्लिक करते हैं और यहां पे हम नाम कोई दूसरा दे देते हैं, जैसे यहां पे हम क्या करते हैं डेटा मेनू क्यों लगते हैं इतना हम हटा देते हैं, तो ये डेटा मेनू हो गया। अब मान लीजिए इसको आप कहां पे सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो या कहीं और, मान लीजिए लोकल डिस्क डी, तो यहां पे हम डी लेंगे और ऊपर भी अगर आप देखें तो डिस्क पीसी और लोकल डिस्क डी आ गया, यानी ये जो फाइल है अभी डेटा मेनू के नाम से लोकल डिस्क डी में जाएगी। अच्छा, लोकल डिस्क डी में ही अगर आप कोई फोल्डर यहां से लेना चाहें तो किसी फोल्डर में भी आप सेव कर सकते हो। मान लीजिए ये फोल्डर हमने ले लिया तो ये फाइल अब क्या होगी, डिस्क पीसी के अंतर्गत लोकल डिस्क डी में इस नाम के फोल्डर में सेव होगी। तो यहां पे हम सेव करेंगे तो ये फाइल हमारी दूसरी जगह पे सेम डेटा रहेगा, जो डेटा इसमें वही डेटा उस फाइल में भी रहेगा और अलग लोकेशन पर सेव हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो अगला है सेव रिमोट, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। सेव ए कापी से क्या होता है, सेव ए कापी से इस फाइल की एक और प्रति बन जाती है। जैसे हम सेव ए कापी पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक बॉक्स आ जाता है सेव का, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे सेव ए कापी लिखा है जबकि इसके पहले वाले में सेव एज था। तो यहां पे भी आप डेस्कटॉप कहां पे इसको सेव करना चाहते हो, किस नाम से सेव करना चाहते हो, ये सारा कुछ देकर आप सेव पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक प्रति आपकी और सेव हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है सेव ऑल का। तो सेव ऑल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए इस समय यहां पे राइटर ही खुला है लेकिन हम इसके साथ साथ यहां से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है, यहां पे हम कुछ लिख भी देते हैं, इसके साथ ही हम पुनः जाते हैं यहां पे और यहां से हम प्रेजेंटेशन भी ओपन कर लेते हैं, और यहां भी हम क्या करते हैं कि कुछ यहां पे लिख देते हैं इसे, और इसके बाद हम पुनः चलते हैं अपने कैल पे और सेव ऑल पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि जो भी हमारा ओपन विंडो है उन सब को बारी बारी सेव करने को पूछेगा। तो यहां पे इस फाइल को हम किस नाम से सेव करना चाहते हैं उस नाम को यहां पे देंगे, और उसके बाद मान लीजिए हम इसको कोई नाम दे देते हैं, और यहां पे इसका जो लोकेशन है वो डॉक्यूमेंट है, हम सेव पे क्लिक करेंगे तो जैसे सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगले के लिए हमसे पूछेगा जो अगला हमारा डॉक्यूमेंट है उसको किस नाम से सेव करना है, तो उसको भी हम कोई नाम दे देते हैं और उसके बाद सेव करेंगे, और इसके बाद हमारी दो, क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी सेव था डेटा मेनू के नाम से ऑलरेडी सेव था और हमारा जो
राइटर था, राइटर अगर हम देखें तो पहले सेव नहीं था, लेकिन यहाँ पे अब ये जो है जो हमने नाम दिया उस नाम से सेव हो गया है। अगर हम क्लोज करें तो अभी हमसे सेव करने को नहीं पूछेगा क्योंकि हमने इसको नाम देकर सेव कर दिया है। इसी तरह अगर हम इंप्रेस में जाते हैं प्रेजेंटेशन में, तो यहां भी अगर आप देखें तो यहां पे फाइल का नेम आ गया है और ये हमारी फाइल सेव हो गई है। इसको भी हम क्लोज करेंगे और जो भी चेंजेस हमने बाद में किया है उसको सेव करेंगे और हमारी फाइल ये सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप फाइल में जाके सेव ऑल का प्रयोग करके एक ही साथ जो है सभी ओपन विंडो को, जो राइटर या कैल्क या इंप्रेस के जो भी ओपन विंडो है उनको एक साथ आप सेव कर सकते हो। एक्सपोर्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को, इस स्प्रेडशीट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट आप इसको कहाँ पे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डेटा मेनू के नाम से, मान लीजिए जो भी नाम देना है नाम देंगे, लोकेशन कौन सा रहेगा लोकेशन चूज करेंगे, सेव एज टाइप क्या होगा आप यहाँ पे देखें, XHTML है, PDF है, JPG है, PNG है, किस फॉर्मेट पे आपको सेव करना है, तो वो आप ऑप्शन लेकर सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी। और उसके बाद आपसे एक ऑप्शन और पूछेगा कि मॉडिफाई डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, रेजोल्यूशन क्या होगा, ये सारी सेटिंग भी आप करके ओके कर देंगे तो आपकी ये जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। अगला जो विकल्प है इसमें एक्सपोर्ट एज PDF, यानी ये जो फाइल है आपकी, ये जो आपकी वर्कशीट है, इसको आप PDF के रूप में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहां से आप कई सारी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे रेंज, यानी अगर आपने कई सारी सीट इसमें बनाई है तो सबको आप सेव करना चाहते हो या पेज कोई देना चाहते हैं, कई सारे ऑप्शन हैं, ये सारे ऑप्शन आप यहां से ले सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जैसे ही आप यहां एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे एक बॉक्स आएगा जहां पे आपसे इस फाइल का नाम पूछेगा और इसको PDF के रूप में आप सेव ही करना चाहते हैं, तो यहां पे देखें ऑलरेडी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये यहां पे सिलेक्ट है, अब आप इसको सेव कर दीजिएगा तो ये जो है आपके PDF के रूप में सारी सेटिंग के साथ सेव हो जाएगा। इसके बाद अगला जो है सेंड का, आप इस वर्कशीट को आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल डॉक्यूमेंट के रूप में, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट के रूप में, या PDF के रूप में, या ब्लूटूथ के माध्यम से किसी दूसरे सिस्टम में भेजना चाहें तो ये सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला इसमें है वो है प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, आप इस फाइल को वेब ब्राउजर में भी आप देख सकते हैं। इंटरनेट पे हमारी ये फाइल कैसे दिखेगी, तो आप यहीं से प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर का प्रयोग करके अपने वर्कशीट को ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हमारा ब्राउजर ओपन हो गया है, तो जितनी भी सीटें हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो अलग अलग सीट हमारी जो है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है, सीट 4, तो ये अलग अलग सीट को जो है यहाँ पे ब्राउजर में आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को अगर ब्राउजर में देखना चाहते हो तो आप फाइल मेनू में जाके प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर का प्रयोग कर सकते हो। अगर आप प्रिंट करने से पहले आप देखना चाहते हो कि हमारी ये फाइल कैसे प्रिंट होगी, किस तरह से आएगा आपके पेज पर, तो आप प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+C+O का प्रयोग करके भी आप इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी फाइल का यहाँ पे प्रीव्यू आ गया है। इसको आप जूम करना चाहें तो आप जूम भी कर सकते हो, जूम कम करना है कम कर सकते हो, और भी कई सारी सेटिंग है वो आप यहां से कर सकते हैं। यहां से आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, यहां से आप प्रीवियस जा सकते हैं, तो ये सारी सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है प्रिंट का। प्रिंट डायलॉग बॉक्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने इस वर्कशीट के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। यहां पे आप शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं, Ctrl+P का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आपका प्रिंटर है, जिस प्रिंटर पे आपको प्रिंट करना है वो प्रिंटर आप यहाँ से ले सकते हो। प्रिंटर की सेटिंग करना है तो आप यहाँ से प्रिंटर की सेटिंग पे जा सकते हो, यहाँ से हमारे प्रिंटर का सेटिंग खुल जाएगा। इसके बाद जितने भी रेंज है आप सबको प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल रखेंगे, आप कोई पेज देना चाहते हैं तो आप यहाँ से पेज दे सकते हैं। यहाँ पे मोर ऑप्शन है, यहाँ पे फ्रॉम विच प्रिंटेड प्रिंट सिलेक्टेड सीट यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज कितनी रहेगी वो आप यहां पे दे सकते हैं। पेपर कौन सा होगा, पेपर आप यहां से जैसे मान लीजिए A4 लेना है तो A4 आप ले सकते हैं। पेज आपका अभी ये जो है आपका पोर्ट्रेट है, अगर आप इसको लैंडस्केप निकालना चाहते हैं तो यहां से आप लैंडस्केप भी आप, जैसे ही हम लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं हमारा पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाता है। और मोर पे जाएं तो हमको कुछ और सीट भी मिल जाती है, पेज पर सीट कितना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग करके आप प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये जो वर्कशीट है ये आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यहां से आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये प्रिंटर है या आप मान लीजिए इस प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहते हो तो यहां पे जाके आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो इसको किस क्वालिटी में निकालना है, कलर निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, वो सारी सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए आप इस प्रिंटर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो इस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते ही एक बॉक्स और खुलेगा जहां से आप यहां पे सारी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे इसको कलर में प्रिंट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में करना है, कितने कॉपी प्रिंट करना है, तो ये सारी सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी कैसे रहेगी, हाई रहेगी, स्टैंडर्ड रहेगी, या मोर सेटिंग पे जाके आप सारी सेटिंग करके आप प्रिंट करेंगे तो उस हिसाब से आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है प्रॉपर्टीज का। तो यहां से आप अपने वर्कबुक की प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, जनरल है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, कस्टम प्रॉपर्टीज है, सिक्योरिटी है अगर आप सिक्योरिटी लगाना चाहें, ओपन फाइल रीड ओनली, रिकॉर्ड चेंजेस, तो यहाँ से कई सारी आप प्रोटेक्ट करना चाहें तो आप पासवर्ड वगैरह आप देना चाहें तो यहाँ से पासवर्ड वगैरह भी आप दे सकते हैं। फॉन्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से फॉन्ट आप इसमें लेना चाहते हैं। इसके बाद स्टैटिक है, कितनी सीट है, कितने सेल हैं, कितने पेज हैं, फार्मूला ग्रुप, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं और इसके बाद आप ओके करेंगे। अगला जो हमारा इसमें है वो है डिजिटल सिग्नेचर का। तो आप यहां से इसमें कोई डिजिटल सिग्नेचर लगाना चाहें तो डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं, या साइन करना चाहें तो इसमें आप कोई साइन भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको राइटर में बहुत ही विस्तार से बताई है, आप वहां पे देखिएगा। और इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है एग्जिट लिब्रे ऑफिस, यानी अगर आप लिब्रे ऑफिस को क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ एग्जिट लिब्रे ऑफिस या कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे तो आप लिब्रे ऑफिस से बाहर हो जाएंगे। उसके पहले आपसे पूछेगा, अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया है तो आपसे सेव करने को पूछेगा, और जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका लिब्रे ऑफिस बंद हो जाएगा। और इस तरह से आज हमने आपको फाइल मेनू के अंतर्गत बहुत ही विस्तार से सारे टूल्स को बताया है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप हमारा राइटर का जो फाइल मेनू है उसको आप देखिएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आज के इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।